जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बेहतर करेंगे अपनी लाइफ में और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, यानी कि हमारा नेशनल एम्बलम क्या है। लेकिन क्या आपको इससे पहले पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय एम्बलम है या जो हमारे एम्बलम है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय एम्बलम और एक होता है स्टेट एम्बलम, यानी राजकीय एम्बलम, राजकीय प्रतीक। तो जितने भी हमारे भारत में जितने भी स्टेट हैं उन सबका एक राजकीय एम्बलम भी होगा। क्या आपको अपने स्टेट का राजकीय एम्बलम पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपकी कंट्रीज़ का, मैं आपके स्टेट का एम्बलम बताऊँगी, सिंबल बताऊँगी। बात करते हैं नेशनल सिंबल की, वो भी भारत के। तो आपको पता है कि भारत का जो नेशनल सिंबल है वो 17 है टोटल। पहला आता है हमारा कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, नेशनल फ्लैग किसे बोला गया है। तो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, जो कि हम लोग की शान है। तो तिरंगे में तीन कलर होते हैं, एक होता है सैफ्रॉन, दूसरा होता है हमारा वाइट कलर, तीसरा होता है हमारा ग्रीन कलर। तो सैफ्रॉन का प्रतीक किसको माना जाता है, सैफ्रॉन किसका प्रतीक माना जाता है? तो सैफ्रॉन हमारा माना जाता है, यानी केसरिया रंग, प्रतीक होता है स्ट्रेंथ का, यानी बल का। दूसरा करेज का, करेज का मतलब होता है साहस। तो बल और साहस का प्रतीक माना गया है केसरिया रंग को। दूसरा है हमारा वाइट कलर, यानी सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक है? सफ़ेद रंग प्रतीक है पीस, यानी शांति का, और ट्रुथ का, यानी सत्य का। तो शांति और सत्य का प्रतीक सफ़ेद कलर को माना गया है। बात करते हैं हमारा तीसरा कलर, तो तीसरा कलर होता है हरा कलर। हरा कलर किस चीज़ का प्रतीक है? हरा कलर प्रतीक माना गया है फर्टिलिटी का, यानी कि उपजाऊ करते हैं जो हमारे किसान, तो उस खेती का प्रतीक माना गया है। दूसरा हमारा माना गया है ऑस्पिशियस, यानी कि ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, यानी हरे रंग को शुभ माना गया है और ग्रोथ के लिए। तो फर्टिलिटी, ग्रोथ और ऑस्पिशियस का प्रतीक माना गया है हरे रंग को। अब बात करते हैं क्या तिरंगा सिर्फ इन्हीं तीन कलर से मिलकर के बनता है? नहीं, आपने देखा होगा जो बीच में चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, स्पोक्स होती हैं, वो ब्लू कलर की होती है। तो उस ब्लू कलर को क्या रिप्रेजेंट किया गया है? तो उस ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है हमारे कंट्री का, या पूरे वर्ल्ड में जो आसमान होता है वो भी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, पानी होता है उसको भी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट किया गया है वो स्काई और ओशियन का प्रतीक है। अब बात करें कि 24 ही तीलियाँ क्यों होती हैं, क्यों सिर्फ वो बीच में जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं? तो 24 तीलियाँ जो है वो इंडिकेट करती हैं आपके समय चक्र को, क्योंकि हमारा जो 24 आवर होता है उसमें 24 घंटे होते हैं हमारे पूरे एक दिन के चक्र में, समय चक्र में, इसीलिए उसको इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारा तिरंगा है उसका रेशियो क्या होता है? तो उसका रेशियो 2:3 होता है। शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन उसका झंडे हमेशा 2:3 के रेशियो में ही बनाए जाते हैं। तो ये तो बात थी हमारे नेशनल फ्लैग की, जो कि तिरंगा है। आइए बात करते हैं हमारे नेशनल एम्बलम की, यानी कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो एम्बलम है, वो राष्ट्रीय एम्बलम ही है, जो कि अशोक से लिया गया, अशोक के स्तंभ से लिया गया है, जो कि अक्सर आपने देखा होगा, तो इसको राष्ट्रीय एम्बलम बोलते हैं। आइए बात करते हैं हमारा नेशनल सॉन्ग। तो हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। हमारे नेशनल एंथम की बात करें तो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और ये सबसे पहले गाया गया था कलकत्ता के सेशन में, जो कि हुआ था हमारा 27 दिसंबर 1911 में। उस टाइम पे जनगणन पहली बार गाया गया। हमारे नेशनल कैलेंडर की बात करें तो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो साका कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर में अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957। तो ये तो थी हमारे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग के बारे में। आइए बात करते हैं कुछ नेशनल फ्रूट, नेशनल एनिमल के बारे में। तो हमारा जो नेशनल फ्रूट है, क्या आपको पता है कि हमारा नेशनल फ्रूट मैंगो है? नेशनल
एनिमल की बात करें, राष्ट्रीय जानवर की बात करें, तो हमारा जो राष्ट्रीय जानवर है वो बंगाल टाइगर है। और जो हमारे नेशनल फ्रूट की बात करेंगे तो वो मैंगो है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो आपको पता है कि राष्ट्रीय फूल कमल को दर्जा दिया गया है। कमल ही हमारा राष्ट्रीय फूल का प्रतीक है। अभी तक हमने सुना था कि नेशनल एनिमल, नेशनल फ्रूट, नेशनल ट्री, लेकिन अब बताएं कि नेशनल वेजिटेबल क्या है, तो वो शायद ही किस बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन नेशनल वेजिटेबल भी होता है हमारा। तो नेशनल वेजिटेबल हमारा है पम्पकिन, यानी कि कद्दू को नेशनल वेजिटेबल यानी कि राष्ट्रीय सब्जी का दर्जा दिया गया है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात करें, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी वाले जानवर। तो अगर पानी वाले जानवर की बात करें जिसको राष्ट्रीय का प्रतीक बोला गया है, तो वो डॉल्फिन है जो कि गंगा में पाई जाती है। गंगा से याद आया कि अगर हम राष्ट्रीय रिवर की बात करें यानी कि राष्ट्रीय नदियों की बात करें, तो हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा को बोला गया है। हमारा राष्ट्रीय पेड़ है बनियन ट्री, यानी कि बरगद के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ बोला गया है। नेशनल पक्षी की बात करें तो नेशनल पक्षी हमारा पिकॉक है, यानी कि मोर। और अब बात आती है करेंसी की। हर कंट्री के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है उसका करेंसी। तो भारत की करेंसी यानी कि नेशनल करेंसी का दर्जा मिला है इंडियन रुपी को, जो हम आप यूज़ करते हैं, हमारा नेशनल करेंसी रुपीज है, इंडियन रुपी। इन लिस्ट में शायद ही आपने सुना होगा कि नेशनल रेप्टाइल का भी दर्जा किसी को दिया गया है। राष्ट्रीय जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उनको, वो कौन से जानवर है जिनको राष्ट्रीय यानी नेशनल रेप्टाइल का दर्जा गया है, तो किंग कोबरा को हमारे नेशनल रेप्टाइल की लिस्ट में रखा गया है। तो अगर से आगे आपसे पूछे कि नेशनल रेप्टाइल का दर्जा किसे दिया गया है, तो किंग कोबरा इसका आंसर होगा। नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या होता है? हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हेरिटेज का मतलब होता है जहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ को, जो कि बहुत ही प्रीशियस होती है हमारे कंट्री के लिए, उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल के लिस्ट में किसको रखा गया है? तो नेशनल हेरिटेज एनिमल का प्रतीक है हमारा एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट। ओथ ऑफ एलिगेंस की बात करेंगे यानी कि राष्ट्रीय शपथ किसको बोला जाता है, तो आपको पता है कि हम आप जब भी असेंबली जाते थे तो हम लोगों को एक शपथ दिलवाई जाती थी नेशनल प्लेज की, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, ये हमारा नेशनल प्लेज है। तो आपने पूरा देख लिया कि नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, नेशनल ट्री क्या है, नेशनल एंथम क्या है हमारा। लेकिन अगर स्पोर्ट की बात आए तो आपको नहीं लगता कि नेशनल स्पोर्ट भी एक होना चाहिए? हम लोग बचपन में सुने थे कि हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। अभी तक नेशनल स्पोर्ट डिसाइड नहीं किया गया है। हाँ, अनऑफिशियली हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी को लिस्ट में रखा गया है। तो कमेंट करके बताइए कि नेशनल स्पोर्ट में आप किसको ज़्यादा प्रिफर करेंगे, किसको ज़्यादा वोट देंगे, क्रिकेट को, कबड्डी को या हॉकी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। हैव अ नाइस लाइफ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। टेक केयर।